जय माँ, जय राम। आज दो दो महापर्व एक साथ है, चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिवस है। नवरात्रि साधना का प्रतीक है, माँ की कृपा का प्रतीक है, माँ की आराधना का। तो दूसरी ओर आज एक उल्लास का दिन भी है, भगवान श्री राम के जन्मदिन का, रामनवमी। एक साधना का है तो एक उत्साह उल्लास का है, लेकिन पूरा विश्व इस समय कराह रहा है, विशेष रूप से हमारा भारत आज एक ऐसे मुकाम पर है, एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां पर लोगों के पास कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया है। उल्लास की तो कौन कहे, उत्साह की कौन कहे, सब कुछ स्तिमित हो गया है, थम गया है, रुक गया है। जीवन और जीवनी शक्ति दोनों का इतना बड़ा अभाव मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, और बहुत सारे लोगों ने, क्या बहुत कम ही लोगों ने, शायद किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन कोई भी बाधा आवे, समय कैसा भी प्रतिकूल हो, साधना अव्याहत होना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि साधना की गति जीवन की गति है, साधना जीवन पर्यंत चलती है। इसलिए आज हम तमाम विकट परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति के बावजूद संगीत की ज्योति को जलाए रखने के लिए, साधना का दीप का बुझ न जाए हवा के इस थपेड़ों से, झोंकों से, तूफान से, इसलिए हम यहाँ पे टूटे हुए दिल से ही सही, भरे हुए मन से ही सही, अंदर किसी प्रकार का उत्साह उमंग न होते हुए भी ज्योति को जलाए रखने की जिम्मेदारी समझकर, दायित्व समझकर, जीवन का उद्देश्य समझकर, जीवन का जो पाथे है, जो साधना है, उसको बनाए रखने के लिए हम आज यहाँ पे उपस्थित हो पाए हैं। आज का दिन मेरे जीवन में बहुत विशेष मायने रखता है, क्योंकि मेरी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत आज से 41 साल पूर्व इसी दिन हुआ था, जब मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ में कुछ विश्वास के, कुछ जिम्मेदारियों के धागे बांध दिए थे, जिन्हें हम नाड़ा बांधना कहते हैं। वो नाड़ा जो बंधा तो मैं बंध गया संगीत से, बहुत कुछ पीछे छूट गया। पढ़ाई में बहुत अच्छा रहने के बावजूद उसे पीछे छोड़ा, नौकरी की नौकरी छोड़ा, बहुत कुछ प्रलोभन भी छोड़ा, और बहुत कुछ जीवन में जो शायद मैं और कर सकता था दूसरी दिशाओं में, वो मैंने छोड़ा, इसलिए कि इस धागे की जो डोर है वो ढीली ना हो पाए, और उसमें मैं जहाँ तक भी संभव है अपने आप को समर्पित करके रखा हूँ, बाधाएं आने के बावजूद, और मेरी छोटी सी सीमाओं के दायरे में ही रह के सही जो कुछ मुझसे होता है हम करते हैं, और जब करते हैं तो मेरे साथ ऐसे ही उस धागे में बहुत सारे, जैसे अलग अलग डोर थे, वैसे ही हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ गए।
और ठीक इसी दिन इसी तिथि को, मतलब दिन तो नहीं कहेंगे, तिथि के दिन 14 अप्रैल 2008 को अचानक से, कोई बहुत इसके लिए बहुत योजना नहीं बनाई गई थी, बहुत सारी चीज़ों की योजना बनानी नहीं पड़ती है, न महामारी बता के आई थी, न किसी ज्योतिषीय गणना ने इतनी भयंकर महामारी का प्रेडिक्शन किया था, न किसी ने, भविष्य दृष्टा ने हमें यह बताया था कि इस तरह से सब कुछ छिन्न भिन्न होने लगेगा, लेकिन एक अचानक से सब कुछ घटित होता है। तो अच्छी चीज़ें भी ऐसे ही अचानक घटित होती है। जब ये दिमाग में आया कि शिल्पायन की एक औपचारिक स्थापना कर ली जाए, रामनवमी का दिन मेरे जीवन के लिए कई और मायने में भी उल्लेखनीय है, तो मैं उसी दिन कर लूँ। गुरु जी से बात की, गुरु जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी सभा हुई, शायद 10 लोग भी नहीं रहे होंगे, मेरे ही फ्लैट में जो आज मैं रहता हूँ, पहले वहाँ मैं नहीं रहता था, खाली पड़ा रहता था वहाँ पे। लेकिन आज देख के अच्छा लगता है कि शिल्पायन पुष्पित पल्लवित हो गया है, कुछ भी नहीं है, तुलना किया जाए तो कुछ भी नहीं है, और अगर शिल्पायन के ही दिनों से अब आज के दिनों तक तुलना की जाए तो बहुत कुछ है। लेकिन ये कुछ सीमाओं में बांधने के लिए शिल्पायन नहीं है, शिल्पायन एक उद्देश्य है, शिल्पायन एक लक्ष्य है, शिल्पायन एक प्रतिबद्धता है, इस प्रतिबद्धता का ही नाम शिल्पायन है। शिल्पायन क्या करेगा आगे, क्या कर चुका है, इसके बारे में विचार कोई करे, हमें नहीं करने की ज़रूरत। दुर्भाग्य से मैंने सोचा तो था कि बहुत अच्छे से प्रस्तुति दूंगा, शिल्पायन में गाना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, आज मैं बैठा हूँ इस स्थान पर, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता थी, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ था, गाना तो दूर बाद भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत की। वो हिम्मत मेरी अपनी नहीं है, मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ है, वो आ चुका है, अचानक से ही आया, शायद इसीलिए आया कि वो मुझे सपोर्ट कर सके। और शुभंकर डे के साथ आज मेरी बेटी भी है जयंतिका, वो भी बैठी है मेरे साथ, गुनगुनाएगी वो भी, हम लोग सब मिल करके जो भी टूटा फूटा है आज अर्पित करेंगे। और साथ में इस समय शिल्पायन के लिए रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बनी हुई है डॉक्टर रागिनी सरना, मेरी शिष्या, उसके त्याग समर्पण और निष्कपट रूप से जो शिल्पायन के माध्यम से कार्य कर रही है, उसी का ये सुपरिणाम है जो कुछ भी हो रहा है। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए कुछ, आज ये मौका मिलता है कि मैं अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ, मेरे दिल से मुझे चाहने वाले लोग, शिल्पायन के शुभेक्षु शुभ चिंतकों के साथ कुछ पल साझा करूं, कुछ साथ में पल बिताऊं, सुरीली बातें करूं, कुछ दो चार सुर लगा दूं, अगर लग गया तो। मुख्य है आराधना करना, इस समय इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, प्रार्थना, और बस चरणों में सर रख करके बस यही प्रार्थना करना है कि माँ आज हम लोगों की रक्षा करो, भगवान राम आज आपकी ज़रूरत है, इन राक्षसों का अंत करने के लिए आज आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आप आज अवतरण किए हैं, आज फिर से अवतरण करिए, माँ की साधना आज जिन्होंने भी हर जगह अपने अपने जगहों पे लोगों ने की है, आज पूर्ण हो रहा है, वो इस साधना का जरूर सुपरिणाम आएगा। भगवान राम अपने धनुष कोदंड से इन राक्षस रूपी महामारी का वध जरूर करेंगे, ये विश्वास समस्त भारतवासी को है, समस्त हिंदू समाज को है, मुझे है, आपको है। और शिल्पायन के लिए प्रार्थना है कि शिल्पायन
इस महामारी में भी अपने स्वरूप को बचा ले गया, कुछ हद तक खत्म नहीं हुआ, रुका नहीं, थमा नहीं, चलते रहे। गति थोड़ी श्लथ या धीमे हो गई, लेकिन रुकी नहीं, हमारे छोटे छोटे कदम बढ़ते रहे। बस इसी कामना के साथ थोड़ा सा दरबारी का सुर लगा रहा हूँ। आराधना अधिक है इसलिए आपको सुर का आनंद अगर नहीं भी मिल रहा है तो क्या मेरे भावों को देखिएगा, मेरे हृदय के भावों को देखिएगा। सबको पुनः मेरी ओर से असीम शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मानवता के लिए प्रार्थना कर। जय माँ, जय राम। देवी सहस्र नाम में उसमें कुछ ऐसे श्लोक वर्णित है जो संपुट मंत्र है, तो आप जानते हैं कि महामारी का नाश करने के लिए इस मंत्र का पाठ होना चाहिए। आप सब भी मेरे साथ गाएं। जयंते कपाय
समाय सेवाय गाय
Ya, ya, ya,
बाल
Thank you.
के सब धन ने हाला
धने सा धने रे धने रे धने रे नैना रे सा ने सा रे सा सा Nah.
राम से बजो राम से रे राम से राम से बजो राम से रे 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 राम से बजो राम से राम से बजो राम से हो तरन तारन नृत्य हिचिन हो तरन तारन नृत्य हिचिन हो तरन तारन नृत्य हिचिन हो तरन होत तरन तारन नृत्य हिचिन जो भूले ही प्रभु नाम लिया
जो भूले हो प्रभु नाम लिया रे राम सियारे राम सिया भजो राम सिया राम सिया भजो राम जेहि परि झो जेहि परि झो जेहि परि झो बस में होई गो जेहि परि झो बस में होई गो जेहि परखी झो सुगति तिहारे राम सियारे जेहि परखिझो सुगति तिहारे राम सियारे राम सियारे राम सियारे राम सियारे राम 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 सिया बजो राम सिया मोहन दास भजन ही मूरख मोहन दास भजन ही मूरख मोहन दास भजन ही मूरख तो तू स्वान समान जिया रे राम सियारे तो तू स्वान समान जिया रे राम सियारे मोहन दास भजन ही मूरख तो तू स्वान समान जियारे राम सियारे राम सिया बजो राम सिया आप लोग जो भी जहाँ पे हैं आपसे जुड़े हुए सभी लोग गाएं राम सियारे राम सिया बजो राम सियारे राम सिया भजो राम सिया राम सिया भजो राम सिया रे राम सिया भजो राम सिया राम जय 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 Sia Ram, Jai Jai Ram, 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 Sia Ram, Sia Ram, Ram Sia Ram, Sia Ram, Sia Ram, Ram Sia Ram, Ram Sia Ram, Sia Ram. Jai Jai Ram, Sia Ram, Jai Jai Ram, Sia Ram, Jai Jai Ram, Sia.
सबको राम राम। सबके जीवन में सुख शांति चैन वापस आए और हम पुनः संगीत की साधना उसी उल्लास उमंग उत्साह के साथ कर सके, इसी कामना के साथ सबको शुभ रात्रि, जय सिया राम।